is sponsored by आइए मतदान करें क्योंकि बोकारो बेमिसाल है। उसी के अंतर्गत कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जगह जगह पे कैंप लगाया जा रहा है, जिससे मतदान कैसे करें उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आइए इस जानकारी को हम जानते हैं। मेरा नाम एमके उपाध्याय हुआ, मैं सहायक शिक्षक हूँ और इस जिला में जिला का डिस्ट्रिक्ट DLMT डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर हूँ। और मैं अभी बोकारो जिला में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को EVM VVPAT के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं, जिसका सेंटर बोकारो मॉल बनाया गया है। आप वोट करते हैं, आपको जब इनग्रेडेबल इंक लगा करके और वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजा जाता है, आप कैसे डिफाइन करते हैं कि आपका वोट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो मुझे नहीं मालूम, मुझे आपको पता नहीं है, तो ये जानना जरूरी है ना। देखिए, जब आप वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएं तो सबसे पहले आप जो बैलेट यूनिट है उसका यहाँ रेडी लैंप देखें कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है। क्योंकि क्राउड होता है, ऐसे जो इनग्रेडेबल इंक लगाया है उसकी ड्यूटी है कि वो आपको बैलेट इशू कर दे, और जब बैलेट इशू करता है तो ये रेडी लैंप जल जाता है। जल रहा है का मतलब कि बैलेट इशू है और आप वोट करने के लिए तैयार हैं, वोटिंग कास्ट होने के लिए तैयार है। अब जो बैलेट यूनिट है उस पर आपको तीन चीज नजर आता है, सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम और चुनाव चिन्ह। बहुत तरीके की बात हो रही थी या लोग रूमर क्रिएट कर रहे हो या जो भी हो कि हम जो वोट दे रहे हैं वो वोट किसी और को चला जा रहा है। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपको एक और हथियार दे दिया कि आप जिस किसी को भी वोट कास्ट कर रहे हैं उसको यहाँ से वेरीफाई कीजिए। इट इज कॉल्ड, ये कहा जाता है VVPAT, इसको शॉर्ट में बोलते हैं VVPAT। इसका पूरा नाम है वोटर्स वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। आप जिस किसी को भी वोट देते हैं यहां से आपको वो वेरीफाई कर लेना है। इसमें यही तीन चीज नजर आएगा, सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम और चुनाव चिन्ह। तो रहता है क्या ये 7 सेकंड तक आपके सामने रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक कट के इस सील्ड बॉक्स में गिरेगा। इतना के बाद आपको एक बाहर से बीप की आवाज आएगी, ये जो कट के गिरेगा इसके बाद एक बाहर से कंट्रोल रूम से बीप की आवाज आएगी। उस बीप की आवाज को सुन करके तब वोटिंग कंपार्टमेंट आप लोग छोड़ेंगे। क्यों? चूंकि उस समय तक जब तक बीप की आवाज खत्म नहीं होती है तब तक वोटिंग का प्रोसेस चलते रहता है। किसी एक को दबाइए, किसी को भी, हाँ, किसी एक को दबाइए। जैसे आपने यहाँ दिया, यहाँ देखिए जिसको आपने दिया उसी की पर्ची यहाँ नजर आ रही है और 7 सेकंड तक ये रहेगी, ऑटोमेटिक कट के गिरेगी। उसके बाद बीप की आवाज आएगी, बीप की आवाज के, ये बीप की आवाज जब तक खत्म नहीं हो तब तक वोटिंग कंपार्टमेंट नहीं छोड़ना चाहिए। अभी जो आपने वोटिंग प्रोसेस को सीखा है ये कितना हेल्पफुल है और लोगों के लिए? बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये किस प्रकार से हेल्प कर रहा है, जैसे जागरूक कर रहे हैं ये सबको कि कैसे मतदान करना चाहिए, तो किस प्रकार से जागरूक है और इसमें क्या लगता है कि वोटिंग का जो प्रोसेस परसेंटेज है वो किस कदर तक आगे बढ़ेगा? पूरे सोसाइटी में फैलाएंगे ये बात को, पूरे मेंबर को बताएंगे वोट का किस प्रकार जरिया है देने का। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जिला प्रशासन ने स्वीप कार्यक्रम के तहत सिर्फ EVM का ही प्रदर्शन करने के लिए बोकारो मॉल में नहीं दिया है। आप जैसा देख रहे हैं स्वीप के तहत सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, इस सेल्फी पॉइंट पर भी इस बोकारो के जो नागरिक हैं, जो मतदाता हैं या भावी मतदाता हैं, सभी आकर के अपना सेल्फी पर फोटो भी खिंचा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है कि बोकारो प्रशासन स्वीप कार्यक्रम के तहत अनेकों तरह के प्रोग्राम को लाया है, जिससे मतदाता को हम रिझा सकें, मतदाता को हम जागरूक कर सकें कि आप आ करके और अपना वोट कास्ट कीजिए। इसमें अलग अलग प्रखंड में रंगोली कार्यक्रम हो रहा है, निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, हर तरीके से जो भी प्रयास हो रहा है वो स्वीप कार्यक्रम के तहत, स्वीप के तहत बोकारो प्रशासन कर रहा है। और हमें ये गर्व है कि हम इस स्वीप कार्यक्रम को EVM और VVPAT का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। क्या नाम है? राकेश कुमार ओझा, मैं सहायक शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय नरकेरा चंदन क्यारी में कार्यरत हूँ। जिला प्रशासन बोकारो ने मेरा यहाँ प्रतिनियोजन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किया है। तो अभी जैसे कि आप बोकारो मॉल में मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं तो यहाँ आपको किस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है यहाँ पे। मतदाता यहाँ पे जितने भी यहाँ विजिटर्स आ रहे हैं वो यहाँ हमारे सिस्टम को देखते हैं, सिस्टम को समझते हैं, समझने के बाद वो प्रभावित होकर जाते हैं और बोकारो जिला प्रशासन को धन्यवाद करते हैं। हमसे वादा करके जाते हैं कि हम जा रहे हैं और अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने घर में इसका प्रचार प्रसार करेंगे।